हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे आइडियाज़ जो आप बना सकते हो वेडिंग कार्ड से। यस, यू हर्ड दैट राइट। इससे पहले मैंने दो वीडियोस ऐसे डेडिकेटेडली बनाए हैं जिसमें मैंने वेडिंग कार्ड का ही यूज़ किया है एंड काफ़ी ब्यूटिफुल आइडियाज़ आप भी ट्राई कर सकते हो सिर्फ एक पुराने वेडिंग कार्ड से। वेडिंग कार्ड तो ऐसे भी इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि किसी का इमोशन इसमें जुड़ा होता है, तो क्यों ना यही सारे वेडिंग कार्ड्स को यूज़ करके कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको आइदर आप अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आप जिनका भी वेडिंग कार्ड है उनको ही क्रिएट करके इस तरह के आइटम्स गिफ्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि आज मैंने कौन कौन से आइडियाज़ यहाँ पर शेयर किया है। सो फर्स्ट वाला कार्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इस तरह से इस कार्ड का डिज़ाइन था तो ये मुझे लगा कि इसका जो ये लुक है, पैटर्न है, इसी को इसी तरह से रखते हैं एंड साथ ही साथ इसमें जो ये फैब्रिक है ये थोड़ा सा सिल्क का काइंड ऑफ था, मतलब थोड़ा सिंथेटिक काइंड ऑफ, तो जिसके वजह से इसके ऊपर मैं पेंट करती तो अच्छे से पेंट नहीं होता, इसलिए सबसे पहले मैंने जेसो अप्लाई किया एंड देन एक बैकग्राउंड दिया यूजिंग ब्लैक एक्रिलिक कलर्स। इसके अलावा जो इसका साइड बॉर्डर्स है ये ऐसे ही ब्यूटीफुल था क्योंकि ये गोल्डन के ऊपर था तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, इसलिए मुझे इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना था एंड साथ ही साथ इसलिए साइड्स के एजेस को मैंने ऐसे ही रख दिया एंड सेंटर वाले पे किसी और कार्ड से कट करके ये सारे डिज़ाइंस यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरह के डिफरेंट कार्ड्स को आप मिक्स एंड मैच करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो। देखो ये कितना सिंपल है, विद इन 5 मिनट्स ही आप ये क्रिएट कर लोगे। इसमें जितना ज़्यादा छोटे छोटे एलिमेंट्स आप ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये सारे पेस्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन एक्रिलिक पेंट से थोड़े से डिटेलिंग्स ऐड किया है एंड इसके बाद कुछ राइनस्टोन्स ऐड करूँगी एंड देन अगेन कुछ एक्रिलिक पेंट से ही इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। वैसे तो आप इसमें डिफरेंट एम्बलिशमेंट्स लगा सकते हो, लाइक आप बेल्स का यूज़ कर सकते हो, आप टैसल्स का यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी, लिटरली आपके पास जो भी एम्बलिशमेंट्स है आप उन सारे को यूज़ करके एक बहुत ही प्रिटी सा होम डेकोर आइटम क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें थोड़े बहुत और डिटेल्स ऐड करेंगे एंड देन इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। अब यहाँ पे ये 3D आउटलाइनर से थोड़े से डिटेल्स और ऐड करते हैं एंड उसके बाद देखो ये सेंटर वाला पार्ट ये कंप्लीट हो गया है और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। सारे डिज़ाइंस लग रहा है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हो। अगर आपके पास ये वाला जो कार्ड है अगर ये पेपर बेस्ड है, मतलब ये तो मैंने बताया कि ये फैब्रिक जो है ये सिंथेटिक बेस्ड था, तो अगर ये पेपर बेस्ड है तो इसके ऊपर आप अपने से पेंटिंग भी कर सकते हो। तो अब ये कंप्लीट होने के बाद जैसे पहले ही बताया था कि इसमें डिफरेंट और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी सिंपल ही रखा है, इसलिए मेरे पास ये पम-पम बॉल्स थे तो मैंने इसको इस तरह से बोथ साइड्स में ऐसे हैंग कर दिया है एंड ऊपर में एक और थ्रेड इस तरह से हैंग किया है सो दैट इसको हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह से ये आप किसी भी वॉल पर हैंग कर सकते हो, कहीं पर भी आप चाहो आप इसको एंट्रेंस पर हैंग कर सकते हो, या ये तो एक बहुत ही ज़्यादा एथनिक ट्रेडिशनल एक डिज़ाइन भी लग रहा है। तो देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने इसको फ़िलहाल इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ वीडियो लेने के लिए यहाँ पे प्लेस किया है। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं इसको एक्चुअल में कहाँ प्लेस करूँगी, बट कहीं पे भी प्लेस करती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो आई होप ये आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है बिकॉज ये वाइट कलर में है। तो आजकल मुझे वाइट कलर के इस तरह के जो क्राफ्ट्स होते हैं या जो होम डेकोर आइटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है किसी भी जगह पे आप इसको डेकोर करो तो
तो यहाँ पे ये डिज़ाइन कार्ड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑलरेडी था, सिर्फ इसको ज़रूरत थी तो थोड़ी सी इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने की। तो यहाँ पे आपको कैमरा में कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, बट सेंटर वाला जो डिज़ाइंस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर से छोटे छोटे मोटिव्स बने हुए हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, जैसा है इसको सिर्फ इसके साथ कुछ ग्लास मिरर्स ऐड करते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के, सो दैट ये एक प्रॉपर लिप्पन आर्ट काइंड ऑफ लगे। एंड सेंटर पे इस तरह से गणपति जी का फोटो यहाँ पे बना हुआ है, बिकॉज ये तो वेडिंग कार्ड में इस तरह के डिज़ाइंस ऑलरेडी बने होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो साइड वाला पोर्शन था यहाँ पे मैंने मिरर्स ऐड कर दिया, तो ये एक बॉर्डर बन गया है। एंड यहाँ सेंटर पे जितने भी छोटे छोटे डिज़ाइंस थे उन सारे के बेस पे मैंने इस तरह से राउंड मिरर्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, और बिना मेहनत का ये आपके पास एक बहुत ही प्रिटी सा एक वॉल फ्रेम बन सकता है। तो सिर्फ आपके पास इस तरह के जो कार्ड्स हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और पता चल जाएगा आपको कि इस पे आप कौन सा एलिमेंट ऐड करोगे तो आपका वो कार्ड जो है वो कार्ड की तरह नहीं लगेगा, एज अ होम डेकोर ही लगेगा। तो यहाँ पे देखो इस सारे मिरर्स पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लिया है, एंड फ्रेम पे मैं अंदर में ऑलरेडी कुछ और डिज़ाइंस है बट वो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसके ऊपर मुझे सिर्फ इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्लास के ऊपर से ही इसको पेस्ट कर दिया है। आप चाहो तो इस तरह से अगर बनाते हो तो आप ग्लास के अंदर भी इसको प्लेस कर सकते हो, बट मुझे ये इसी तरह से चाहिए था तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक मास्किंग टेप के हेल्प से यहाँ पे इस तरह से इसको ऐड कर दिया। देखो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना सोबर लग रहा है, बट ये बनाने में तो आपको 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, उससे कम में ही आप इस तरह के वेडिंग कार्ड से एक होम डेकोर आइटम क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा तो ये फेवरेट है, आप बताना कि आपका कौन सा फेवरेट है। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये गणपति जी का जो ये फोटो यहाँ पे बना हुआ है वेडिंग कार्ड पे, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये एक थिक कार्डबोर्ड बेस्ड कार्ड ही है, मतलब इसके अंदर का जो लेयर है वो कार्डबोर्ड का ही है, इसलिए मेरी मेहनत थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि अगर ये पेपर वाला सिर्फ होता तो शायद मुझे इसके बेस पे अगेन कुछ कार्डबोर्ड वगैरह पेस्ट करना पड़ता, बट क्योंकि ये इस तरह से था ही कार्डबोर्ड पे तो मैंने डायरेक्टली इसको इस तरह से यहाँ पे कट कर लिया है। अब चाहो तो आप इसके बेस पे डिफरेंट और चीज़ ऐड कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड दे सकते हो, बट मुझे ये सिंपल इसी तरह से जैसे हैं सिर्फ इसी तरह का ही चाहिए था, तो यहाँ पे इस पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो कट किए थे तो इस बॉर्डर पे मैं यहाँ पे एक गोल्डन कलर का ये स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी, एंड नीचे में उसी स्ट्रिंग को ही कंटिन्यू करके, मैंने स्ट्रिंग को काटा नहीं है कि बाद में कभी अगर इसको मैं कट कर देती हूँ तो छोटा हो जाएगा, बाद में किसी और काम में नहीं आ सकता है, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर बाद में मेरा मन चेंज होता है और मैं इसी को ही किसी और वे में अगर स्टाइल करना चाहूँ तो थोड़ा सा जुगाड़ उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे सिर्फ देखो इस तरह से बैक साइड पे मैंने पेस्ट कर दिया स्ट्रिंग को, एंड इसको इस तरह से हैंगिंग बना दिया। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ बेल्स ऐड कर दूंगी और ये इसी तरह से ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम सिंपल सा है, करने में आपको ये सिर्फ 2 to 3 मिनट्स ही लगेगा, बट इस तरह का एक डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल हैंगिंग आपके पास भी हो सकता है। तो आप भी ऑब्जर्व करना कि क्या क्या आपके पास है कबाड़, और उसी से ही आप इस तरह के जुगाड़ लगा सकते हो। तो डेफिनेटली ट्राई करना वेडिंग कार्ड से, और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे साथ भी इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली शेयर करना। इस तरह के आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं ज़रूर शेयर करना, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज एवरी थर्सडेज एंड संडेज को वीडियोस आता है, और इसी तरह के जितने भी वेस्ट आइटम्स है आपके पास सारे से ही आप होम डेकोर बना लोगे, ये तो गारंटेड है। तो देखो इसका फाइनल आउटकम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं गन्नू महाराज, और इसी बात पे मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विथ अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स।
तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।